दायंगल रे सगला दर्शका ने दीपाली माथुरी राम राम राजस्थान री खबर माए था को स्वागत है। नजर डाल सया ई वक्त री मुख्य खबर पर। 14 दिनारे ताई बंद हो बाड़ो छे राजस्थान। राज्य सरकार 10 सू 14 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाबारो दियो निर्देश। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राज्य सरकार सू करियो सवाल। राज्य माए कतरा लगाया आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट। मंत्री शांति धारीवाल संभाली हाउसिंग बोर्ड रे चेयरमैन री जिम्मेदारी। रिक्त पदा पर जल्द ही भर्तियां करवा को ऐलान। एक बार फिर हुई तेल के दामा माए बढ़ोतरी। पेट्रोल 29 पैसा और डीजल 33 पैसा हुआ महंगा। प्रदेश माए कोरोना के बढ़ता मामला देख राज्य सरकार सख्त लॉकडाउन लगाबा को निर्णय लियो छे। राजस्थान माए 10 सू 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहसी। ई दौरान आवश्यक सेवाओं ने छोड़ सब बंद रहसी। वटे ही शादियां रताई भी पाबंदियां छे। नई गाइडलाइंस रे अनुसार शादी के संबंध माए किसी भी तरह को समारोह डीजे बारात निकासी या प्रीति भोज री अनुमति कोनी होसी। घर पर या फिर कोर्ट माए ही शादी करबारी अनुमति छे। पण ई में भी 11 लोग ही उपस्थित रह सके छे। कोरोना संक्रमण के बढ़ता मामला देख नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया लोगासू अपील करी छे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बोलिया के बेवजह घरासू बार कोनी निकलो। मास्क लगाओ और कोरोना रे नियमा री पालना करो। वा बोलिया के अस्पताल सू ज्यादा आपा खुद अपनो और अपने परिवार रो ध्यान रख सके छे। यदि आपा कोरोना रे नियमा री पालना करसी तो निश्चित रूप सू मैं खुद भी बचसी और अपने परिवार ने भी बचासी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिख मांग करी छे। पत्र माए राठौड़ लिखिया के सरकार ने ऑटो रिक्शा के जिया एम्बुलेंस माए भी मीटर लगानो चाहिए। एक ओर जटे कोरोना महामारी लोगा की सांसें छीन रही छे वटे ही दूसरी ओर एम्बुलेंस कर्मी रोगिया सु मोटो किरायो वसूल रिया छे। अफसोस छे कि सरकार यो गलत वसूली पर कोई कार्रवाई कोनी कर रही छे। राठौड़ बोलिया के यो मामला माए राज्य सरकार सख्ती सु कार्रवाई करे। कोरोना संक्रमण के बढ़ता मामला रे बीच भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राज्य सरकार सु सवाल करियो छे। राठौड़ बोलिया के मने राजस्थान रे एक वरिष्ठ स्वास्थ्य मंत्री रो पत्र मिलियो छे जी में लिखियो छे कि प्रदेश माए कोरोना के बढ़ता मामला के कारण उपचार हेतु चिकित्सीय उपकरण री कमी महसूस हो रही छे। जी पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोलिया कि यो जो कमी महसूस हो रही छे वो राज्य सरकार री लापरवाही दिखा रही छे। राठौड़ राज्य सरकार सु सवाल करियो कि राज्य सरकार के पास पहली कोरोना लहर सू दूसरी कोरोना लहर के बीच 1,58,231 करोड़ रुपया छे तो वे ई राशि में सू ऑक्सीजन प्लांट लगावा माए ऑक्सीजन बेड लगावा माए कतरो प्रतिशत खर्च करियो छे। भाजपा रे मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा राजस्थान कांग्रेस सरकार के मंत्रिया ने आड़े हाथों लियो छे। वा बोलिया कि कोविड महामारी माए केंद्र और राज्य सरकार चिंतित छे और दोनों ही समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहा छे। पर राजस्थान सरकार रा मंत्री और विधायक राज्य सरकार री एडवाइजरी ने मानबा ने तैयार कोनी छे। मुख्य सचेतक महेश जोशी पर निशाना साधता रामलाल शर्मा बोलिया कि मुख्यमंत्री रा काफी करीबी मंत्री शादी माए बिना मास्क के शामिल होया और लोगा री वावाई लूट बा रेताई आपणो 500 रुपया रो चालान कटवा लियो। विधायक रामलाल मीणा ने आड़े हाथों लेता हुआ रामलाल शर्मा बोलिया कि वे कोविड सेंटर जाबा के बजाय आपने घरा माए ही खुद को टीकाकरण करवायो और चेहरा पर मास्क भी कोनी लगायो। यो सरकार रे नियमा रो सीधो सीधो उल्लंघन छे। राज्य रा मंत्री शांति धारीवाल आज हाउसिंग बोर्ड रे अध्यक्ष री जिम्मेदारी संभाली छे। पदभार ग्रहण कर धारीवाल बोलिया कि पिछली सरकार भाजपा के 5 साल के कार्यकाल सु तुलना की जाए तो वहां की सरकार के 18 महीना माए जो काम हुयो छे वो कीर्तिमान छे। जो मकान पिछली सरकार माए कोनी बिक्रिया था वा ने बोर्ड ने तेजी सु बेचा छे। ई के सागे ही धारीवाल हाउसिंग बोर्ड माए रिक्त पदारेताई भर्तियां करबा को ऐलान करियो छे। वा बोलिया कि अलग अलग श्रेणी के 573 पदा पर भर्तियां होसी। ई के ताई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द ही प्रस्ताव भेजो जासी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी कोरोना काल माए काफी सक्रिय नजर आ रहा छे। हरीश चौधरी आज राजकीय महाविद्यालय बायतू माए संचालित कोविड केयर सेंटर माए भर्ती मरीजा सु मिलिया। वा के स्वास्थ्य री जानकारी ली और मरीजा री चौकी देखभाल रताई चिकित्सा विभाग री पूरी टीम रो आभार जतायो। इके सागे ही मंत्री हरीश चौधरी ऑक्सीजन प्लांट लगाबा रताई उचित स्थान रे चयन रताई अधिकारियों रे सागे जायजो लियो। कोरोना महामारी सु निपटबा रे ताई अब राजनीतिक दल भी आगे आ रिया छे। नागौर जिला के युवाओ रे ताई उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी पहल करी छे। चौधरी विधायक कोष सु कोरोना वैक्सीन रे ताई 3 करोड़ री राशि प्रदान करी छे। महेंद्र चौधरी बोलिया कि युवा पीढ़ी देश रो भविष्य छे।
सांबर लेक उप अधीक्षक कीर्ति सिंह आज जोबनेर रेनवाल बधाल और आसपास रे क्षेत्र को दौरो कियो। यो मौका पर सिंह ने प्रमुख बाजार सागे मुख्य क्षेत्र माए आमजन सुघरा माए रहबारी अपील की और कोरोना संक्रमण रा मामला गांवों में बढ़ता देख आमजन सु सतर्क रहबारी भी अपील की। उप अधीक्षक कीर्ति सिंह ने जोबनेर रेनवाल माए सड़का पर बेवजह घूम रहा लोगा सुघरा माए रहबारी समझाइश की और कोरोना एडवाइजरी री पालना कराबारी अपील की। भीलवाड़ा रे जहाजपुर माए भीषण सड़क हादसो हो गयो। जहाजपुर माए बोलेरो और बाइक रे बीच टक्कर, हादसा माए दो युवका री मौत। राम प्रसाद खाती और कैलाश सुधार रे रूप माए हुई मृतका री पहचान। हादसा रे बाद बोलेरो चालक मौका सु हुयो फरार। मामला री जांच माए जुटी पुलिस। कोरोना महामारी रे बीच बीते कई दिना सु पेट्रोल और डीजल रे दामा माए बढ़ोतरी हो रही छे। आज एक बार फिर पेट्रोल माए 29 पैसा और डीजल माए 33 पैसा की बढ़ोतरी हो गई छे। अब राजधानी जयपुर माए पेट्रोल री कीमत 97.73 रुपया और डीजल री कीमत 90.33 रुपया पहुंच गया छे। चुनाव खत्म होता ही एक बार फिर सु तेल के दामा माए बढ़ोतरी को सिलसिलो जारी हो गयो छे। राजस्थान री खबर माए फिलहाल इतनो ही। राम राम।